नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। हम लोग यहाँ पर एडोल्फ हिटलर की किताब मेरा संघर्ष, जिसे मैन कैंप भी कहते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार एडोल्फ हिटलर को एक विशेष वर्ग के लोगों से नफरत होती जा रही थी। वो उन पर ध्यान देने लगा था। वो सोच रहा था कि किस प्रकार वो जर्मनी में फैल रहे हैं और इनके बीच में रहते हुए वो अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ता हूँ। तो हिटलर कहते हैं, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को पूर्व निश्चित धारणाओं से कभी मुक्त नहीं किया जा सकता। मैं उस समय इतना साधारण था कि उन्हें उनकी मान्यताओं की विसंगतियाँ दिखाने का प्रयास नहीं कर सकता था। मैं तब तक उनसे अपने छोटे छोटे दायरे में ही बात करता रहता जब तक कि मेरा गला दुखने न लगता या बैठ न जाता। मुझे विश्वास था कि मैं यदि प्रयत्न करूं तो मार्क्सवादी मूर्खताओं के स्वाभावित भय के बारे में उन्हें समझा सकता था, परंतु केवल विपरीत परिणाम ही मेरे हाथ लगे। मैं तुरंत समझ गया कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के हानिकारक प्रभावों को जानने पर भी व्यवहार में उन सिद्धांतों के पालन का एक विशेष वर्ग का निश्चय हट की स्थिति में पहुँच गया था। मैं उनके साथ जितनी अधिक बहस करता गया, मुझे उनके वाद विवाद के तरीकों की उतनी अधिक जानकारी मिलती गई। प्रारंभ में वे अपने विरोधी की मूर्खता पर निर्भर करते थे, परंतु जब वे पूरी तरह भाप जाते और उन्हें बचने का कोई रास्ता न मिलता तो वे मासूम और भोले बनने का नाटक करने की चाल चलते। इसमें असफल होने पर अपने विरोधी के तर्क की सूक्ष्मताओं को भली प्रकार समझने के बावजूद भी वे ये दर्शाते थे कि उन्हें विरोधी का तर्क समझ ही नहीं आया और फिर चर्चा का रुख ही किसी दूसरी तरफ मोड़ देते थे। वे किन्हीं महापुरुषों के प्रामाणिक वाक्य प्रस्तुत करते और यदि प्रतिपक्षी उन व्यक्तियों को मान जाते थे तो वे उन्हें अन्य समस्याओं और विषयों पर भी लागू करते, जो वस्तुतः मूल विषय से बिल्कुल ही अलग तरह के होते। यदि विरोधी उनके इसी तर्क से उनका सामना करते तो वे फिर खिसक जाते और तब उनसे कोई सुक्ति नहीं कहलवाई जा सकती थी। जब किसी ने इन धर्मावलंबियों में से किसी को कसकर पकड़ने का प्रयास किया भी तो उसके हाथ निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगा। मान लीजिए कि किसी एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ने किन्हीं दर्शकों की उपस्थिति में आपके तर्क के सामने हार मान भी ली और आपने सोचा कि आखिरकार मैदान मार लिया, तो अगले दिन आपको यह देखकर अचंभा होगा कि वही विशेष वर्ग का व्यक्ति इस प्रकार भुलक्कड़ बन जाएगा जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं था। वह अपनी थोथी युक्तियों को दोहराते हुए फिर से अपने बात को इस प्रकार शुरू करेगा जैसे कि वह कोई नई बात कह रहा हो। यदि आप रुष्ट हो जाएंगे और उसे कल की पराजय याद कराएंगे तो वह हैरान होने का ढोंग करेगा और बताएगा कि उसे तो केवल यही याद है कि उसने अपने कथन को सत्य सिद्ध कर दिया था। विशेष वर्ग के लोगों के इस व्यवहार पर मैं कई बार तो स्तब्ध भी रह गया था। मुझे मालूम नहीं कि मैं उनके शब्द प्रपंचों के ढेर से या फिर अपने झूठ पर पर्दा डालने के उनके कलात्मक तरीके से ज़्यादा हैरान होता था, परंतु यह तो निश्चित था कि मेरी हैरानी धीरे धीरे घृणा में बदलती जाती थी। जैसा कि प्रायः नियम है कि हर बुराई में कुछ अच्छाई अवश्य जुड़ी होती है, इस विवाद के भी कुछ अच्छे पहलू थे। जैसे जैसे मैं सोशल डेमोक्रेसी के नेताओं या कम से कम प्रचारकों को व्यक्तिगत रूप से और ज़्यादा जानने लगा, वैसे वैसे अपने लोगों के साथ मेरा प्यार बढ़ने लगा। मैंने अनुभव किया कि इन दुष्ट प्रचारकों के द्वारा अपनाई जाने वाली शैतानी और चतुराई को देखते हुए इनका शिकार बनने वाले बदनसीब लोगों को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। उस जाति के द्वंद्वात्मक विश्वासघात को देखकर तो मेरे लिए वास्तव में यह सोचना भी कठिन था कि मैं उनका मुकाबला कर सकता था। ऐसे लोगों को तर्क से जीतने का प्रयास सर्वथा व्यर्थ था, क्योंकि वे स्वयं द्वारा स्वीकृत सत्य को नकार देते थे, अपने द्वारा बोले शब्दों से ही मुकर जाते थे और कुछ ही क्षणों के बाद अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए फिर उन्हीं शब्दों को दोहराने में संकोच नहीं करते थे। वस्तुतः जैसे जैसे मैं विशेष जाति के लोगों को जानता गया, वैसे वैसे श्रमिकों को दोष देना मेरे लिए उतना ही कठिन होता गया।
मेरे विचार में श्रमिकों में से अपराधियों को ढूंढने की बजाय उन लोगों को खोजना चाहिए जो अपने भाइयों के साथ सहानुभूति दिखाने के बारे में नहीं सोचते, अपने राष्ट्रीय परिवार के उस मेहनतकश सपूत को उसका न्याय संगत हिस्सा नहीं दिलवाते, न ही श्रमिक को बहकाने और भ्रष्ट करने वालों को कोई सजा दिलवाते हैं। अपने दैनिक अनुभवों से प्रेरित होकर मैं अब मार्क्सवादी सिद्धांतों के स्रोतों की पूरी तरह छानबीन करने लगा। अब मैं इसके प्रभावों की बारीकियों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। आँख खुली रहने के कारण दिन प्रतिदिन हो रही इसकी प्रगति मेरे सामने स्पष्ट थी और इसके संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाने के लिए केवल मामूली सी कल्पना शक्ति की जरूरत थी। अब केवल एक ही प्रश्न था कि क्या संस्थापकों ने अपने प्रयासों के परिणामों का पूर्वानुमान लगाया था या वे किसी गलतफहमी के शिकार थे। मेरे विचार में दोनों ही विकल्प संभव थे। यदि दूसरे प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जाए तो यह मानना होगा कि प्रत्येक चिंतनशील प्राणी का यह कर्तव्य बनता है कि इन भयंकर परिणामों को रोकने के लिए इस अमंगलकारी आंदोलन का विरोध करे। यदि पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो यह मानना होगा कि राष्ट्र को रोग लगने वाला है। इस बुराई के असली जन्मदाता शैतान के अवतार थे। वास्तव में इस प्रकार के संगठन की योजना इंसान की नहीं केवल शैतान के दिमाग की ही उपज हो सकती है। इसकी कार्य प्रणाली से मानव सभ्यता का अंततः पतन हुआ और इसने सुनहरे संसार को एक बेकार रेगिस्तान में बदल दिया। ऐसी स्थिति में युद्ध ही एकमात्र विकल्प था और उस युद्ध में उन सब हथियारों का प्रयोग जरूरी था जो मानव के मन बुद्धि और भावनाओं के क्षेत्र में आ सकते थे। संतुलन किसके पक्ष में बैठेगा इसका निर्णय भाग्य पर छोड़ देना था। इस आंदोलन के सिद्धांतों का अध्ययन करने के उद्देश्य से मैंने इन सिद्धांतों के अधिकारी विद्वानों के बारे में सूचना एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी। मैंने आशा से पहले ही इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। अब मुझे विशेष वर्ग के लोगों की समस्या के बारे में अधिक गहरी जानकारी प्राप्त थी। मुझे लगा कि अब तक इस विषय की मेरी जानकारी सतही थी, अब तो मैं विशेष वर्ग की भाषा भी समझता था। इस नए ज्ञान की प्राप्ति ने मुझे इस योग्य बना दिया था कि वास्तविक तथ्यों और सोशल डेमोक्रेसी के धर्माचार्यों द्वारा स्थापित सिद्धांतों की व्यवहारिक तुलना कर सकूं और पाखंड का पर्दाफाश कर सकूं। मैंने अनुभव किया कि विशेष वर्ग के लोग अपने विचारों को छिपाने के उद्देश्य से ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिससे उसके कथन पर पर्दा पड़ जाए और उसके असली उद्देश्य का पता न लगे। मेरा यह ज्ञान सर्वोत्तम आंतरिक क्रांति का अवसर जुटाता था। एक सहनशील नागरिक के स्थान पर मैं अब पूरी तरह सेमाइट विरोधी बन गया। इसके बाद मैं एक अंतिम अवसर पर अवसादी विचारों से हारा जिससे कुछ क्षणों के लिए मुझे भारी निराशा भी हुई। मैंने ज्यों ही इतिहास के दीर्घकाल में विशेष वर्ग के लोगों की गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा की त्यों ही मैं उदास हो गया और मैंने अपने आप से पूछा कि कहीं रहस्यमय कारणों जैसे शायद हमारे जैसे नाशवान इंसानों की समझ से बाहर है इससे प्रकृति का यह अटल आदेश तो नहीं कि अंत में इस छोटे से राष्ट्र की ही विजय होगी। क्या यह नहीं हो सकता कि केवल पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए जीने वाले इन विशेष वर्ग के लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में भूखंड देने का वादा किया हो। प्रकृति ने मुझे उत्तर दे दिया। अब मुझे मार्क्सवादी मान्यताओं और इनसे जुड़े विशेष वर्ग के लोगों की गतिविधियों को और अधिक निश्चित रूप से खोजने की प्रेरणा मिली। मार्क्सवाद का विशेष वर्ग के लोगों के सिद्धांत प्रकृति के अभिजातीय सिद्धांत को नकार कर उसके स्थान बल शक्ति और संख्या के आधार पर विशेषाधिकार के सिद्धांत का प्रतिस्थापन करता है। इस प्रकार से यह सिद्धांत मानव व्यक्तित्व की और व्यक्ति के गुणों की महत्ता से इनकार करता है। यह सिद्धांत इस मान्यता का भी विरोध करता है कि राष्ट्रवाद और जातिवाद का प्रमुख महत्व होता है और ऐसा करके यह सिद्धांत मानव अस्तित्व और मानव सभ्यता के आधारों को ही समाप्त कर देता है। यदि मार्क्सवादी चिंतन को ही ब्रह्मांड के जीवन का आधार मान लिया जाए तो उस सारी व्यवस्था का लोप हो जाएगा जिसकी कल्पना मानव कर सकता है। जीवन के चिर परिचित उद्दात स्वरूपों में
अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। यदि विशेष वर्ग के लोगों को मार्क्सवादी सिद्धांत की सहायता से संसार के सभी देशों को जीत लें, तो भी उसका अर्थ मानव जाति का सामूहिक विनाश होगा। शमशान में उनका राजतिलक होगा और नरमुंड उनकी माला बनेंगे तथा यह धरती रसातल में पहुंच जाएगी। इस प्रकार मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा आचरण उस सर्वशक्तिमान एवं विश्व के रचनाकार की इच्छा के अनुकूल है। फलतः विशेष वर्ग के लोगों के विरुद्ध मेरा खड़ा होना अपने स्वामी के आदेश का पालन करना है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि सामान्यतया किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु से पहले सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसके अपवाद हो सकते हैं। प्रकृति ने जिन्हें विशिष्ट राजनीतिक योग्यता तथा विलक्षण प्रतिभा प्रदान की है, उनकी बात अलग है। कम से कम आज भी मेरा यही मत है, और इसका कारण यह है कि जब तक व्यक्ति 30 वर्ष का या उससे आसपास का होता है, तब तक उसका मानसिक विकास इस स्तर तक नहीं पहुंचा होता जिसकी प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को विश्लेषण करने और उनके प्रति निश्चित दृष्टिकोण अपनाने के लिए ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति को सबसे पहले सामान्य रूप से विचारों का परिचय प्राप्त करना चाहिए, फिर उन्हें आपस में सजोकर व्यक्तिगत विचार या जीवन के प्रति निजी दृष्टिकोण सुव्यवस्थित करनी चाहिए। यह करने के पश्चात ही व्यक्ति के पास वह मानसिक उपकरण आ जाएंगे जिसकी सहायता से वह रोजाना पेश आने वाले विशिष्ट सवालों पर निजी फैसला कर सकता है। तब वह उन गुणों को भी ग्रहण करने में समर्थ होगा जो राजनीतिक धारणाओं में निरंतरता और स्थिरता बनाने के लिए जरूरी होती है। ऐसे व्यक्ति कम से कम आत्मनिष्ठ रूप में इस योग्य हो जाता है कि वह सार्वजनिक मामलों में राजनीतिक समझ और सूझबूझ से भाग ले सके। उपयुक्त शर्तों को पूरा न करने वाले व्यक्ति को दो खतरों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो उसे लगेगा कि उसने घटनाओं के क्रम में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो रुख अपनाया था वह गलत था। अब उसे पहली स्थिति या तो छोड़नी पड़ेगी या फिर अपने बेहतर विवेक तथा तीव्र बुद्धि के अभाव में उस पर टिका रहना पड़ेगा, जबकि उसके तर्कों और विश्वासों ने उसके पक्ष को अयुक्ति संगत सिद्ध कर दिया है। पहली स्थिति को अपनाने पर वह व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन परिस्थिति में फंस जाएगा। इसके विपरीत अब तक अपनाई गई स्थिति को छोड़ने से वह अस्थिर लगेगा और तब वह आशा नहीं कर सकता कि उसके अनुगामी और प्रति पूर्वत ही निष्ठावान बने रहेंगे। वस्तुतः जहाँ तक अनुयायियों का संबंध है, वे नेता द्वारा नीति के बदलाव को उसके चरित्र के एक महान गुण विवेक की कमी ही समझेंगे। इसके अतिरिक्त नीति में बदलाव का अर्थ एक प्रकार से अपनी पराजय स्वीकार करना होता है। यही कारण है कि सामान्य रूप से नेता लोग अपने द्वारा उठाए पग पर जीवन भर दृढ़ता से डटे रहते हैं। यदि व्यक्ति दूसरे विकल्प को अपनाता है, जैसा कि आजकल होता है, तो सार्वजनिक रूप से की जाने वाली उद्घोषणाओं के समर्थन के लिए नेता को अपने विश्वास का अभाव स्पष्ट झलकता है। इस स्थिति में अपने पक्ष की रक्षा का प्रयत्न अधिक खोखला और दिखावटी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अशिष्ट तरीकों पर उतर आता है। अब जबकि वह अपने राजनीतिक विरोधों का सामना अंत तक गंभीरता से नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी आदमी उस बीज की रक्षा हेतु नहीं मरेगा जिसकी विकासशीलता में वह विश्वास ही नहीं करता है, जबकि वह अपने अनुयायियों से ज़्यादा उम्मीदें करता है। वास्तव में उसकी अपनी कुटिलता की मात्रा जितनी अधिक होती है, वह अपने दलों के समर्थकों से उसकी उम्मीदें उतनी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और विवेकहीन होती हैं। अंततः वह सच्चे नेतृत्व के अंतिम गुणों जैसे शिष्टता और शालीनता को भी दूर फेंक देता है और राजनीति के गंदे खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। इसका अर्थ है कि उनमें से एक बन जाता है जिनकी संस्कृति और उद्धता दृष्टता और मिथ्यावादिता की चरम सीमा से संबंध होती है। दुर्भाग्य से यदि ऐसा व्यक्ति कभी छुटभैया किस्म का संसदीय दादा बन जाए, तो स्पष्ट है कि उसके लिए प्रारंभ से ही राजनीति का सार इसी में है कि वह अपने और अपने परिवार की आजीविका को बनाए रखने के लिए दूध देने वाले इस गाय के स्तनों को पकड़े रखे और उसके लिए साहसिक संघर्ष करता रहे। उसकी पत्नी
और बच्चे जितने समय तक उसी पर निर्भर हैं वो उतनी अवधि तक बेशर्मी से अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए डटा रहेगा। यही कारण है कि वह राजनीतिक दृष्टि से अपने से बेहतर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत शत्रु मानता है, क्योंकि उसे प्रत्येक नई गतिविधि में अपने पतन की आशंका नजर आती है और वह प्रत्येक योग्य व्यक्ति को एक संभावित खतरा मानकर चलता है। मैं इस प्रकार के अधम स्वार्थियों द्वारा पैदा की जाने वाली समस्याओं की चर्चा बाद में करूँगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि जब आदमी 30वें वर्ष में पहुंच जाता है तो अभी उसे काफ़ी कुछ सीखना होता है, परंतु इसके बाद वह जो कुछ सीखता है वह मुख्यतया आधारभूत विचारों का विस्तार ही होता है। वस्तुतः इस आयु तक व्यक्ति पूर्व प्रतिष्ठित एवं तथाकथित मौलिक वेल्टन स्वांग की ढांचे में पूरी तरह से ढल जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नया सीखने का अर्थ पूर्व के सिद्धांतों का परित्याग न होकर उन सिद्धांतों का गहन ज्ञान प्राप्त करना है। इस तरह स्वार्थी नेता के साथियों को यह कष्टदायक अनुभव होने में ही नहीं आता कि उनका प्रतिनिधि धोखेबाज है। इसके विपरीत नेता को रंग बदलते देखकर उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि उनके नेता के गुणों में धीरे धीरे और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इस तरह से अनुयायी अपने विश्वास के अनुरूप इस प्रक्रिया को उन सिद्धांतों का संवर्धन मानते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा प्रत्येक विकास पूर्व प्रतिष्ठित विचारों के संपूर्ण रूप के सत्यापन की नई गवाही होती है। अपने सिद्धांतों पर आधारित मंच को छोड़ने वाला नेता उन सिद्धांतों के अंतिम परिणामों को गलत सिद्ध कर दिखाने पर ही जनता का विश्वास पात्र बन सकता है। यदि वह यह सब नहीं कर सकता तो इस परिस्थिति में उसे सार्वजनिक रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जनता का यह निश्चित विश्वास बन जाता है कि ऐसा नेता स्वीकृत सिद्धांतों से एक बार भटक जाने के बाद दोबारा भी भटक सकता है। वस्तुतः दल बदलू नेता को यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह अपने साथी नागरिकों से यह अपेक्षा अथवा मांग करे कि वह प्रत्येक स्थिति में उनका समर्थन करे। जन नेताओं में ऐसा बहुत कम है जिनका आचरण उच्च कोटि का हो। राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह बात सिद्ध होती है कि जिन लोगों को राजनीतिक नेतृत्व सौंपा गया उनमें से लगभग सभी दलों में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम के लिए पूरी तरीके से योग्य हो। उन दिनों मैं दूसरे लोगों की अपेक्षा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करने में अधिक समय लगाया करता था, परंतु फिर भी मैं राजनीति में सक्रिय भाग लेने से दूर रहता था। मैं अपने मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाली तथा अपनी चिंता का निरंतर कारण बनी बातों की चर्चा एक छोटे से वर्ग में ही किया करता था। समिति वर्ग में बातों की चर्चा करने के अनेक लाभ थे। उदाहरणतः बातचीत करते समय मुझे साथी लोगों के विचारों एवं धारणाओं को जानने का अवसर मिल जाता था। मुझे लगता था कि उनके सोचने के तरीके काफ़ी पुराने और दकियानुषी थे। इस प्रकार मैं व्यक्तियों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने के प्रत्येक मौके का इस्तेमाल करता था। ऐसे भी जर्मन लोगों के बारे में अध्ययन करने का ऐसा उपयुक्त अवसर वियना से अधिक अच्छा और कहाँ मिल सकता था। पर एशिया के कुछ भागों में हैब्सबर्ग और उत्तरी समुद्र के क्षेत्रीय जिलों को छोड़कर उस काल के जर्मनी की तुलना में प्राचीन डेन्यूबियन राजतंत्र में राजनीतिक विचारधारा व्यापक और बहुमुखी हितों से प्रेरित थी। जब मैं ऑस्ट्रिया की बात करता हूँ तो यहाँ उससे मेरा अभिप्राय महान हैब्सबर्ग साम्राज्य के उस भाग से है जो अपनी जर्मन आबादी के कारण इस राज्य को न केवल ऐतिहासिक आधार प्रदान करता था, बल्कि जिसकी आबादी उस कृत्रिम ढांचे वाली राजनीतिक व्यवस्था में शताब्दियों तक सांस्कृतिक जीवन का एकमात्र स्रोत भी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह स्पष्ट होता गया कि ऑस्ट्रियाई राज्य का स्थायित्व और इसका निरंतर अस्तित्व हैब्सबर्ग साम्राज्य की इस जनन कोशिका के रखरखाव पर निर्भर है। पैतृक शाही प्रांत इस साम्राज्य के दल थे जो संपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में जीवन के रक्त का निरंतर संचार करते थे। इसी प्रकार वियना मस्तिष्क और इच्छा शक्ति का प्रतीक था। उस समय वियना का स्वरूप ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि मानो कोई महारानी राजगद्दी पर प्रतिष्ठित है, जिसके चुंबकीय प्रभाव ने हैब्सबर्ग राजसत्ता के अधीन रहने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं के समूह को एक सूत्र में बांध रखा था। राजधानी के
चकाचौंध करने वाले सौंदर्य से सम्मोहित व्यक्ति राज्य के भीतरी खोखलेपन को देख ही नहीं पाते थे। विभिन्न राष्ट्रीयताओं के परस्पर भयंकर संघर्षों के कारण साम्राज्य आंतरिक रूप से जर्जर अवश्य था, परंतु बाहर की दुनिया और विशेषकर जर्मनी ने तो शहर के भव्य रूप को देखा था। भ्रांति इस कारण से भी अधिक थी क्योंकि उन दिनों वियना अपने वैभव के शिखर तक पहुंच चुका था। प्राचीन काल के सम्राटों के शोभनीय निवास शहर रह वियना ने अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए विख्यात मेयर के अधीन नए यौवन की शोभा प्राप्त कर ली थी। एक साधारण व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ तथा ईस्ट मार्क का उपनिवेशीकरण करने वाला अंतिम महान जर्मन डॉक्टर ल्यूजर सरकारी दृष्टि से कूटनीतिज्ञ नहीं था, फिर भी इंपीरियल कैपिटल और रेजिडेंशियल सिटी जैसे लगभग नगरपालिका की सभी आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में उसकी इतनी अधिक उपलब्धियां थीं कि उसके स्मरण मात्र से सारे साम्राज्य का हृदय नए जोश से धड़कता था। इस प्रकार उसने उस समय के तथा कथित राजनयिकों की तुलना में अपने आप को कहीं श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ सिद्ध किया था। विषम जातियों के राजनीतिक व्यवस्थापक के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया के अंततः बिखर जाने के तथ्य को प्राचीन ईस्ट मार्क में जर्मनों की राजनीतिक अयोग्यता का प्रमाण किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता। वास्तव में ऑस्ट्रिया का यह पतन विषम परिस्थिति का अपरिहार्य परिणाम था। 1 करोड़ लोग संघर्ष प्रिय एवं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत राज्य को सदा के लिए तो अपने अधीन नहीं रख सकते थे। यह केवल तब तक ही तो संभव है जब तक परिस्थितियां उनके विरुद्ध हों और दूसरे में उनका लाभ उठाने की योग्यता हो। जर्मन ऑस्ट्रिया वासियों के चिंतन की शैली उदात्त थी। महान साम्राज्य में रहने के अभ्यासी होने से उनमें विषम परिस्थितियों में दायित्वों के निर्वाह के प्रति प्रबल चेतना थी। ऑस्ट्रियन राज्य का प्रत्येक सदस्य साम्राज्य की संकुचित भूमि क्षितिज के परे देखता था और साम्राज्य की सभी सीमाओं को अपने चिंतन के दायरे में रखता था। वास्तव में जब भाग्य ने उसे साझी पितृभूमि से विलग कर दिया तो उसने परिणाम के रूप में प्राप्त महान कार्य में निपुणता प्राप्त करने का प्रयास किया। यह कार्य था पूर्वजों द्वारा अतीत में अनेक संघर्षों से अर्जित और फिर विरासत में मिली एकता की भावना को जर्मन ऑस्ट्रियाई लोगों के लिए बनाए रखना। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि ऑस्ट्रियन निवासी जर्मन अपने इस प्रयास में सामूहिक शक्ति नहीं लगा सके, क्योंकि उच्च स्तर के चिंतकों के दिल और दिमाग अपनी मातृभूमि में रह रहे रिश्तेदारों की ओर लगे हुए थे। इससे उनकी शक्ति के कुछ अंश का ही प्रयोग हो सका। जर्मन ऑस्ट्रियन निवासी का मानसिक क्षितिज तुलनात्मक दृष्टि से विशाल था। उसके व्यापारिक हित विषम जातीय साम्राज्य के सभी भागों से जुड़े हुए थे। लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थानों का संचालन उसके हाथ में था। वही राज्य को अधिकतर प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध करता था। विशेष वर्ग के लोग नियंत्रण से मुक्त क्षेत्रों में देश के विदेशी व्यापार का दायित्व भी उसके कंधे पर था। जर्मन ऑस्ट्रियन ने ही राज्य को संगठित रखने और दोनों में राजनीतिक संबंध जोड़ने का बीड़ा उठा रखा था। उसके सैनिक कर्तव्य उसे मातृभूमि की संकुचित सीमाओं से बहुत दूर ले जाते थे। जर्मन रंगरूटों वाली रेजिमेंट को हर्ज़ेगोविना और वियना या ग्लेसिया में रखा जा सकता था। हैब्सबर्ग सेना के उच्च अधिकारी अब भी जर्मन ही थे और सिविल सेनाओं का उच्च अधिकारी वर्ग भी जर्मन था। कला और विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन लोगों का अधिकार था। कला के नाम पर कचरे जिसे हब्सी जनजातियां बड़ी आसानी से उत्पन्न कर सकती थी उनको छोड़कर संपूर्ण कलात्मक प्रेरणा का स्रोत जर्मन था। डुआल राजतंत्र को संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की भारी मांग की पूर्ति वियना ही करता था। इसके स्रोत के सूखने की संभावना कभी नज़र नहीं आती थी। अधिक क्या कहें, यहाँ तक कि विदेशी नीति के क्षेत्र में कुछ संख्या में हंगरी वासियों की सक्रिय होने पर भी विदेशी नीति का निर्धारण और संचालन जर्मनों के हाथ में था। अतः अनिवार्य रूप से अपेक्षित तत्वों के अभाव में राज्य की एकता को बचाने के सभी प्रयासों का असफल होना निश्चित ही था। विभिन्न विघटनकारी राष्ट्रीयताओं की विकेंद्रित
शक्तियों को नियंत्रण में रखने और उन्हें संयत रूप देने का केवल एक ही तरीका संभव था। यह तरीका था ऑस्ट्रियन राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकेंद्रण के सिद्धांत के आधार पर शासित और गठित करना। अन्य किसी भी कल्पित तरीके से उस राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले एपिसोड में आगे की कहानी पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।